बार फिर से मार्केट में वही नजारे दिखने लगे हैं जो 2021 में दिख रहे थे। जो मार्केट 3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई थी ऑलमोस्ट, क्रिप्टो बाजार का मार्केट कैप 3 ट्रिलियन डॉलर को हिट करने वाला था लेकिन नहीं कर पाया। आज वही मार्केट कैप फिर से आ चुका है, 2.4 ट्रिलियन डॉलर का पूरा क्रिप्टो बाजार हो चुका है। बिटकॉइन 1.2 ट्रिलियन डॉलर का है, आधा तो बिटकॉइन अकेला है और आधा बाकी पूरा क्रिप्टो मार्केट है। और आज हम बात करेंगे बुल रन, वही टाइम आ चुका है, बुल रन शुरू हो चुका है। बिटकॉइन ने कल जो लेवल्स दिखाए हैं उसके बाद अब कुछ यहाँ पे बचा नहीं है। $5,000 की लेवल की कमी है अभी, 59-60 के अराउंड रेंज चल रही है बिटकॉइन की। नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है तो थोड़े पंप डंप दिखते हैं और ऐसे में क्लोजिंग का टाइम है मंथली कैंडल। लेकिन आज हम बात करेंगे बुलरन फिर से आ चुका है और बुलरन की ही बात करेंगे। बुलरन में होता क्या है, देखो बियर रन और बुलरन दोनों एक दूसरे के मतलब अपोजिट है ना। बियर रन में क्या होता है, मार्केट गिरती है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, मार्केट गिरेगी। बियर रन चल रहा है तो मार्केट गिरेगी, सिंपल सी चीज है। और बुल रन चल रहा है तो क्या आ रहा है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगी, और वही हो रहा है। पिछले 5 महीने से बिटकॉइन 30,000 को भी डबल कर चुका है, 30,000 से भी 64,000 पे लेवल आ चुके हैं। मतलब जो $30,000 पे खरीद के बैठे थे वो भी डबल में चल रहे हैं इस टाइम पे। बुल रन में ये होता है कि मार्केट धीरे धीरे क्या होता है, बस बढ़ती है, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जब तक बुल रन चल रहा है। ये है फेवर बुल रन का क्रिप्टो बाजार के ऊपर। तो बुल रन कहीं ना कहीं फिर से आ चुका है अमीर बनाने उन लोगों को जिनकी होल्डिंग्स हैं, जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, जिन जो पेशेंस रख सकते हैं उन्हीं को यहां पे अच्छे रिजल्ट दिखने वाले हैं। क्योंकि जो होल्ड नहीं कर सकता उनके लिए क्रिप्टो बाजार, क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल नहीं है। और आज हम बात करेंगे इस बुल रन के अंदर कौन से क्रिप्टोज का जलवा दिखने वाला है, और ऑलरेडी आप जलवा दिख भी रहा है। अगर आप अब तक नहीं समझे कि क्रिप्टो मार्केट में जो कुछ हुआ है, क्योंकि मार्केट में जो कुछ हो रहा है वही इशारा देता है, वही इंडिकेशन देता है, वही सिग्नल देता है। तो अगला ये जो बुल रन अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 2024 भी चलेगा, 2025 भी चलेगा, और $1,00,000 प्लस बिटकॉइन का प्राइस हम इस साल के एंड तक देख लेंगे। इस साल का आखिरी क्वार्टर फिर से जो है जैसा 2023 का बीता था वैसा हो सकता है। तो अभी फिलहाल मार्च मंथ में जा रहे हैं हम कल। ये तो हो गए बिटकॉइन के हाल, क्रिप्टो मार्केट के हाल, लेकिन बुलरन में क्या होगा। बुलरन में देखो, अगर आपको फोकस करना है, आपको अच्छे गेन्स चाहिए, मैक्सिमम गेन्स चाहिए, हम टिप्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, स्ट्रेटजीज आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, बिल्कुल भी आपको फोमो नहीं करना है। आपको अपने पेशेंस से काम लेना है, आपको अपने संयम से काम लेना है। ये नहीं कि कोई कॉइन 500% बढ़ गया है तो खरीद लिया, नहीं, बढ़ गया ठीक है, आपसे मिस हो गया, वो अब आपके लिए नहीं है। आप उसको वहां पे खरीद के अगर आप फ्री का लॉस चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ऐसी गलती मत कीजिएगा। फ्री फंड का लॉस इस मार्केट में बहुत सारे लोग उठाते हैं जिनको पता ही नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी नई एंट्रीज भी होंगी अब हो रही हैं और उनको पता नहीं है, वो हाई लेवल पे भी खरीदेंगे। जिनको पता है वो हाई लेवल पे खरीदने से बचें, डिप का वेट करें। और इस बुल रन में अगर हमने एक चीज का पलड़ा देखा है भारी, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, एक तो जलवा दिख रहा है नए क्रिप्टो कॉइन्स का। अभी भी बहुत सारी नई क्रिप्टो करेंसीज अंडर वैल्यू चल रही हैं और बहुत सारी नई क्रिप्टो करेंसीज ऑल टाइम हाई लगा चुकी हैं। अर्कम की बात करूं, मैवरिक प्रोटोकॉल की बात करूं, टिया, ओडी, इतनी सारी नई क्रिप्टो आई हैं और सबने जलवे दिखाए हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले 7 नए क्रिप्टोज ने अपने नए ऑल टाइम हाई लगा दिए थे। एक तो पलड़ा भारी है नए क्रिप्टो कॉइन्स का, जिनका एक अच्छा इकोसिस्टम है, जो एक्सचेंजेस पे एक साथ आते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जीरो वाले कॉइन्स की बात नहीं कर रहा। दूसरा यहां पे जलवा दिख रहा है मीम क्रिप्टो करेंसीज का, जो हर बार दिखता ही है। मीम क्रिप्टो आप देख ही रहे हो, छोटा मोटा पंप नहीं। मीम कॉइन की खासियत यही है, छोटा मोटा पंप नहीं दिखाएगा वो दिखाएगा तो एक ही बार में आर पार लेके जाएगा, हजारों परसेंट वाले रिजल्ट दिखाएगा। दिस इज द खासियत ऑफ मीम कैटेगरी। इसके अलावा एक और जो छुपा रुस्तम हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आप भी अपना रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, वो है लो कैप क्रिप्टो की कैटेगरी। लो कैप क्या होता है, लो कैप होता है जिसके अंदर, जिस कॉइन में पैसा अभी कम है, जिसकी रैंक पीछे है, 100 से ऊपर चल रहा है, 200 से ऊपर चल रहा है, सबकी रैंक पीछे है। क्यों, क्योंकि इनके मार्केट कैप कम है, नहीं ज्यादा होते तो ये आगे होते, टॉप 100 में होते। तो जो जितनी पीछे है और जिसके अंदर जितना पोटेंशियल नजर आ रहा है उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जब मनी फ्लो होगा, बुलरन में लो कैप क्रिप्टोज में जब मनी फ्लो होता है ना, तो वो हजारों परसेंट पंप कर जाते हैं। तो बुलरन का यही फेवर है। तीन कैटेगरीज पे आपको, ठीक है आप सभी कैटेगरीज पे फोकस कीजिए,
मैं ये नहीं कह रहा सभी कैटेगरीज बेकार हैं, अभी मेटावर्स की भी पंप आना बाकी है, वेब थ्री का, एआई का हम देख रहे थे ट्रेंड अभी रिसेंटली। तीन कैटेगरी पर नजर जरूर रखिएगा। मीम कॉइन की स्ट्रेटेजी है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको मिलियनेयर बना सकता है। दूसरा है लो कैप क्रिप्टोस, ऑलरेडी सस्ते मिल रहे हैं, उनमें पैसा कम है, वो भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और तीसरा है नए क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट, तो नए क्रिप्टो भी मिस नहीं होने चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं पलड़ा भारी दिखा रहे हैं इस बुल रन में। तो आई होप समझ गए होंगे तीन कैटेगरी का पलड़ा भारी दिख रहा है हमको तो, और आगे और भी दिख सकता है जैसे जैसे बिटकॉइन के हम नए हाई देखेंगे, पीक देखेंगे लगती हुई, वैसे वैसे आप जलवे देखेंगे पूरे क्रिप्टो बाजार में। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज आपको नहीं करनी है, रिसर्च जरूर से जरूर करें, वो बहुत जरूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वो भी बहुत जरूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।